अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़ा बनाना सिखाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो दही ली है और इसके अंदर मैंने 5 चम्मच जो है टेबल स्पून के बेसन डाला है। अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी और फिर बाकी जो दही रहती है वो भी इसमें डालूँ। तकरीबन 1/2 kg ली है, घर की बनी हुई दही है। अभी बाकी भी मैं कर दूँगी इसी तरीके से। इसी तरीके से मैंने बाकी दही भी डाल लिया और उसमें आधा कप बेसन डाली। तकरीबन आधा किलो दही में आप 1 कप बेसन यूज़ करेंगे। मैं सबको मैं एक साथ डाल के मिक्स कर दूँगी। ये हमारा बेसन और दही रेडी हो गई है। अब हम अपनी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कढ़ी बनाना। जी वेरी सॉरी, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे बीच में से वीडियो बना रही थी तो प्ले का बटन निकले हुआ था, तो मैं आगे स्टेप पे चली गई थी। सॉरी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया। मेथी दाना डाला, उसको मैंने कड़कड़ाया 1 टीस्पून को। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया तलहार मिर्चें, जो लंबी लाल मिर्च और वो की डाली, ये मैंने 4-5 डाली, वो डाली। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला, ये मेरे पास छोटे छोटे थे, फ्रेश थे, मैंने 4 ये लिए और एक मैंने भड़ा कड़ी पत्ता ले लिया। उसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून प्याज डाला। प्याज की पेस्ट आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं, या फिर आप ग्रेट करके, जो घर में नॉर्मल होता है ग्रेटर, उससे 1 टेबल स्पून जो अनियन है वो मैंने किया, 1 टेबल स्पून ही अदरक और 1 टेबल स्पून ही लहसुन किया। उन सबको डाल के मैंने इनको हल्का सा ब्राउन कर लिया। इसके बाद अब इसके अंदर मैं नमक मिर्च बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। 1 स्पून रेड चिलीज़, हल्दी डालूँगी तकरीबन 1 स्पून, 1/2 टीस्पून, इसको मिक्स करूँगी। देन इसके अंदर 1/2 टीस्पून सूखा धनिया और 1/4 के करीब मैं गरम मसाला डाल दूँगी। और इतना ज़ीरा डाल दूँगी। और अब मैं इसके अंदर जो मैंने बनाई हुई थी दही और बेसन का मटेरियल वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी, जो आधा किलो दही में हमने 1 कप बेसन बना के बना लिया था बेटे। दो तीन मिनट में इसको ऐसे करके भून देंगे। पकाने के बाद फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 बॉटल पानी की जो है पानी की डालने लगी हूँ, और ज़रूरत है तो और भी डाल दूँगी। फिर इसको मिक्स करूँगी। मैं 1/2 बॉटल इसमें और डाल दूँ पानी, ये इस साइज़ की बॉटल है। इसमें 1 चम्मच नमक मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे पकेगा अच्छे तरीके से और हम उधर तैयारी हमारे पकौड़ों क्या बैटर बनाएंगे, इसका मटेरियल बनाएंगे पकौड़ों का, ठीक है। इसके लिए रेड मिर्च पहले हम लेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैंने अभी इसमें डेट डाली है, बाद में चेक कर लूँगी कि कितनी ज़रूरत है। और नमक में 1 ही लिया है, सूखा धनिया, हल्दी, ज़ीरा पाउडर 1/2, और इतना सा मैंने इस पर गरम मसाला भी डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर मैं सूखा मेथी, कसूरी मेथी जो है वो डालूँगी, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के ही बराबर बन जाती है। और इनको मैं पहले ड्राई मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
अब ये जो ड्राई मटेरियल है इसमें मैंने एक लार्ज अनियन काटा हुआ है वो मैं डालूँगी। मैंने लंबा काटा हुआ स्लाइस की ज़रूरत में, अगर आप थोड़ा बारीक और मज़ीद छोटा करना चाहते हैं आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैंने सूखा अनार था ना वो डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना डाला, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें इसमें डाली हैं। उसके अलावा मैंने इसके अंदर घर का बना हुआ कॉटेज चीज़ ले रही हूँ, ये बहुत स्पेशल किस्म के पकौड़े बने हैं। अगर आप चाहें तो आप कॉटेज चीज़ अगर नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इतना मैंने कॉटेज चीज़ ले लिया। इसके अलावा इसके अंदर मैं और चीज़ें क्लोवंजी डालूँगी, थोड़ी सी मैंने क्लोवंजी डाली है, सूखा धनिया 1 टीस्पून और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी इसके अंदर, इससे ये इसका टेस्ट और डाइजेशन दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अब मैं इनको पानी डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको मैं हाथ से मिक्स करूँगी और सबसे अच्छा ये मिक्स हाथ से होगा, लेकिन हाथ धो के। साथ में पानी डाल दूँ हम। आप ये देखिए कि पकौड़े आपने कैसे बनाने हैं। इतना सबसे पहले आप अपने हाथ पर थोड़ा सा बेसन अलग से रखिए हाथ पे। मैंने इसको पतला पानी की तरह नहीं बनाया, मैंने इस तरह का बनाया, ठीक है। यूँ करके आपने इसको गोल गोल कर लिया और थोड़ा सा इसमें डिप करें बेसन के अंदर और फिर यूँ करें इनको राउंड शेप में। इस तरह राउंड शेप के पकौड़े मैं बना लूँगी, छोटे लड्डू की तरह के बन जाएंगे। इस तरीके से आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उनको बनाना। इसी तरह मैं बाकी पकौड़े बनाऊंगी। मैंने एक पकौड़ा डाला है, ये इस तरह के पकौड़े बन जाएंगे, ठीक है। अब इनको फ्राई करें, उसे मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने इसके अंदर किसी भी किस्म का बेकिंग सोडा नहीं डाला हुआ, क्योंकि ये ऐसे ही इंशाल्लाह बहुत अच्छे बन जाएंगे। अभी इतने काफ़ी। और ये देखिए, ये जो कढ़ाई मैंने बनाई इसका ये कलर है, तकरीबन इसको 20 मिनट हो गया पकते वक्त, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इसके ऊपर। 1 मिनट के बाद मैं इनको साइड चेंज करूँगी। अब इनकी दूसरी साइड को भी होने दोगे अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितने राउंड है और ऑलमोस्ट हमारी कड़ी भी रेड का जो हमने बनाएंगे वो भी रेडी है। देखिए चेक करें, आप इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह तो बगैर बेकिंग सोडे के बेकिंग कुछ डाले हुए अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये चेक करें और इसी तरह मैं बाकी पकौड़े बनाऊंगी। हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ और तड़के के लिए ऑयल और जस्ट ये साबुत गोल मिर्च। जैसे ये कड़कड़ाई हूँ मैं थोड़ी सी आग तेज कर रही हूँ। डाल देंगे हमारा स्पेशल कड़ी पकौड़ा रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छा लगे और अगर आपको सजेशन देना चाहें तो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा।
कुक विद आयशा खान में। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मिलते हैं किसी और रेसिपी के अंदर, इंशाल्लाह।